सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करने की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे बदलता है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से वो अपनी वफादारी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जितना अधिक तुम अपना कार्य करने में सक्षम होगे, उतना ही अधिक तुम सत्य को प्राप्त करोगे और उतनी ही अधिक तुम्हारी अभिव्यक्ति वास्तविक हो जाएगी। जो लोग अपना कर्तव्य बेमन से करते हैं और सत्य की खोज नहीं करते, वे अंत में हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग सत्य के अभ्यास में अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते और अपना कर्तव्य पूरा करने में सत्य का अभ्यास नहीं करते। ये वे लोग हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं और शापित किए जाएंगे। उनकी न केवल अभिव्यक्तियां अशुद्ध हैं, बल्कि वे जो कुछ भी व्यक्त करते हैं वो दुष्टता पूर्ण होता है। अपना कर्तव्य दिल लगाकर करने और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तुम्हें पीड़ा सहने और एक कीमत चुकाने की जरूरत है। केवल इसके बारे में बात करना ही काफी नहीं है। यदि तुम अपना कर्तव्य दिल लगाकर नहीं करते, बल्कि हमेशा शारीरिक प्रयास करना चाहते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य निश्चित ही अच्छी तरह पूरा नहीं होगा। तुम बस एक ढर्रे पर काम करते रहोगे और कुछ नहीं, और तुम्हें पता नहीं होगा कि तुमने अपना कर्तव्य कितनी अच्छी तरह से निभाया। यदि तुम दिल लगाकर काम करोगे तो तुम धीरे धीरे सत्य को समझोगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम नहीं समझोगे। जब तुम दिल लगाकर अपना कर्तव्य निभाते हो और सत्य का पालन करते हो, तो तुम धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छा को समझने, स्वयं के भ्रष्टाचार और कमियों का पता लगाने और अपनी सभी विभिन्न अवस्थाओं में महारत हासिल करने में सक्षम हो जाते हो। यदि तुम खुद की जांच करने के लिए अपना दिल नहीं लगाते, लेकिन केवल बाहरी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम अपने दिल में उत्पन्न होने वाली विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न बाहरी वातावरणों में अपनी सभी प्रतिक्रियाओं को जानने में असमर्थ होगे। अगर तुम खुद की जांच करने के लिए अपना दिल नहीं लगाते हो, तो तुम्हारे लिए अपने दिल की समस्याओं का हल करना मुश्किल हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों से हम समझ सकते हैं कि कर्तव्य पालन में हमें सतर्क और जिम्मेदार बनकर सत्य की खोज करनी होगी। पहले मैं लापरवाह थी, मैंने किसी भी काम में ज्यादा मेहनत नहीं की। परमेश्वर के घर में भी ऐसा ही था, मैं दिल लगाकर काम नहीं कर रही थी। जब भी कोई जटिल समस्या आती जिसमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती, मैं लापरवाह और गैर जिम्मेदार रही, इसलिए अपने काम में हमेशा गलतियां करती रही। बाद में मुझे परमेश्वर के वचनों से अपने भ्रष्ट स्वभाव और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने काम के बारे में थोड़ी समझ आई। तभी मैं जिम्मेदारी और दृढ़ता से अपना कर्तव्य निभा पाई। उस समय मेरा काम इतालवी में अनुवाद की जांच करना था। मैं पहले मेहनती थी, आने वाली मुश्किलों के हल के लिए तैयार रहती थी,
लेकिन समय के साथ साथ मेरे पास दस्तावेजों का ढेर लगने लगा तो थोड़ी असहज होने लगी, खासकर जब मैंने रंग बिरंगी टिप्पणियों वाले पूर्ण विराम, अल्प विराम और अन्य विराम चिन्हों से भरे हुए दस्तावेज देखे। फॉर्मेटिंग और प्लेसमेंट के हिसाब से हर दस्तावेज की जांच होनी थी। मैं बेचैन हो उठी। मैंने सोचा इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा भारी काम है। अब मैं उनकी जांच इतनी मेहनत से नहीं करना चाहती थी, बस उन्हें सरसरी तौर से देखकर ठीक ठाक कर देती थी। कभी कभी अपने दिमाग को शांत करके सोचती कि क्या वास्तव में अनुवाद सही है, मगर जब कोई जटिल वाक्य संरचना देखती तो मैं स्वार्थी गणनाएं करने लगती। हर शब्द पर चिंतन और अनुसंधान करने में बहुत मेहनत लगती है। इसके बावजूद यदि मैं असफल रहती हूँ तो क्या ये मेहनत की बर्बादी नहीं है? छोड़ो, कोई और इन्हें देख लेगा। ऐसे ही मैं लापरवाही से अपने काम में लगी रही। समय के साथ लगातार समस्याएं आने लगी। जिन दस्तावेजों की मैंने जांच की थी, अन्य लोगों को उनमें कैपिटल लेटर और विराम चिन्हों की गलतियां मिलने लगी, और कुछ में तो अनुवाद से कई शब्द भी गायब मिले। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। किसी और ने उन छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत देख लिया, लेकिन मुझे तब भी नहीं दिखी जब वो मेरे सामने थी। ऐसी स्पष्ट चूक मुझसे कैसे हो सकती है? मैं इसके बारे में जितना सोचती उतना ही बुरा लगता। अगले दिन लंच के बाद मुझे एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था, जिस दस्तावेज की मैंने जांच की है उसमें एकवचन और बहुवचन की बुनियादी गलती है। मुझे लगा मानो दिल पर छुरी चल गई। मुझसे इतनी लापरवाही कैसे हो गई? इतनी बुनियादी गलती ढूंढने में कैसे चूक हो गई? मैं यकीन से नहीं कह सकती थी कि मेरे द्वारा जांच किए गए अन्य दस्तावेजों में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। मेरे काम में गलतियों की भरमार थी। अब क्या करूं? पीड़ा के मारे मैं तुरंत परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। मैंने अपनी मनोदशा और हाल ही में काम के प्रति अपने दृष्टिकोण पर चिंतन किया। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। अगर तुम अपना कर्तव्य पूरा करने में अपना दिल नहीं लगाते हो और लापरवाह बने रहते हो, कोई भी काम जितना हो सके उतने आसान तरीके से करते हो, तो यह किस तरह की मानसिकता है? यह मानसिकता सिर्फ बिना मन लगाए काम करने की है, जिसमें अपने कर्तव्य के प्रति कोई वफादारी नहीं है, जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है और उद्देश्य की कोई समझ नहीं है। तुम अपने कर्तव्य में केवल अपनी आधी शक्ति का उपयोग करते हो, इसे आधे मन से करते हो। तुम कार्य को जैसे तैसे निपटाने की कोशिश करते हो, मानो तुम खिलवाड़ कर रहे हो। क्या यह समस्याओं को पैदा नहीं करेगा? लोग कहेंगे कि तुम अपना कर्तव्य जैसे तैसे निभाते हो और बस यंत्रवत ढंग से काम करते हो। परमेश्वर इसके बारे में क्या कहेगा? वह कहेगा कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो। अगर तुम्हें कोई काम सौंपा गया है, चाहे वह काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम हो या सामान्य जिम्मेदारी वाला काम हो, अगर तुम उसमें अपना दिल नहीं लगाते हो या अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम नहीं करते हो, अगर तुम इसे परमेश्वर द्वारा दिए गए एक मिशन की तरह या परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य के तौर पर नहीं देखते हो, ना ही इसे अपना कर्तव्य एवं दायित्व समझते हो, तो यह एक परेशानी बन जाएगी। विश्वास के अयोग्य, ये शब्द यह परिभाषित करेंगे कि तुम अपने कर्तव्य किस तरह पूरे करते हो, और परमेश्वर यह कहेगा कि तुम्हारा चरित्र अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अगर परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य के प्रति यही तुम्हारा रवैया और दृष्टिकोण है, तो क्या भविष्य में तुम्हें कोई और कर्तव्य दिया जाएगा? क्या तुम्हें कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है? शायद तुम्हें ऐसा काम सौंपा जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारा व्यवहार कैसा था। परमेश्वर कभी तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेगा और तुमसे असंतुष्ट रहेगा। यह एक समस्या होगी, है ना? आमीन। आमीन। परमेश्वर लोगों के दिलों में देखते हैं। उनका हर वचन मेरी गलती पर भारी पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि अपने काम को आसान तरीके से निपटाना लापरवाही होती है। इसमें कोई सतर्कता नहीं है, यह सिर्फ चीजों पर पर्दा डालना और जिम्मेदारी से भागना है। अपने प्रदर्शन पर पीछे मुड़कर सोचने पर मैंने पाया, जब भी किसी कार्य में समय और प्रयास की दरकार होती, मैं उसके लिए सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका अपनाती। मैं वह तरीका अपनाती जिसमें सबसे कम परेशानी या कम थकान हो। जब बहुत सारे नए शब्द या व्याकरण संबंधी जटिल समस्या या वाक्य संरचनाएं आती,
तब उनका समाधान करने का गंभीर प्रयास नहीं करती थी। मैं उन्हें चिन्हित करके किसी और से पूछती थी। जहां जटिल टिप्पणियां दिखती या सावधानी से विराम चिन्ह की जांच करने की जरूरत होती, तो मैं उन्हें एक सरसरी नजर से देख लेती और कुछ समस्याओं को नजरअंदाज कर देती। मैं लापरवाह होकर अपने कर्तव्य और परमेश्वर के कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लेती थी। केवल शारीरिक कष्ट से बचने के बारे में सोचती थी। मेरे दिल में परमेश्वर के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। मानवता वाले लोगों को बिना निगरानी के अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करने में आसानी होनी चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारियों का अंग है। मानवता रहित अविश्वसनीय लोगों के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना कठिन होता है। लोगों को हमेशा उनकी निगरानी करनी पड़ती है और उन पर नजर बनाए रखनी पड़ती है। अन्यथा जब भी तुम उन्हें कोई और काम सौंपोगे, तब वो इसमें कोई गड़बड़ी कर देंगे। संक्षेप में, तुम्हें हमेशा अपने कर्तव्यों पर विचार करना चाहिए। क्या मैंने इस कर्तव्य को पर्याप्त रूप से पूरा किया है? क्या मैंने दिल लगाकर काम किया, या मैंने इसे जैसे तैसे ही पूरा किया? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो यह ठीक नहीं है, यह खतरनाक है। बारीकी से सोचा जाए तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की कोई विश्वसनीयता नहीं होती। विस्तार से सोचा जाए तो अगर ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य में हमेशा गड़बड़ी करता है, और अगर परमेश्वर के प्रति उसका रवैया लगातार लापरवाही भरा है, तो वह बड़े खतरे में है। जानबूझकर धोखेबाज बनने के दुष्परिणाम क्या हैं? अल्पावधि में तुम्हारा स्वभाव भ्रष्ट होगा। तुम पश्चाताप किए बिना लगातार अपराध करोगे। ना तो तुम सत्य का अभ्यास करना सीखोगे, ना ही उसे अमल में लाओगे। लंबे समय तक ऐसा करते रहने से तुम्हारा परिणाम समाप्त हो जाएगा और तुम संकट में पड़ जाओगे। इसे बड़ी गलती करना नहीं कहते, लेकिन यह ढेरों छोटी छोटी गलतियां करना है और इसका परिणाम अपूर्णीय है। यह बहुत गंभीर है। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर ने मेरी लापरवाह प्रकृति के परिणामों को परत दर परत खोलकर मेरे सामने रखा, तो मैं बहुत डर गई। अधूरे मन से अपना काम करना परमेश्वर और दूसरों को धोखा देना है। परमेश्वर इस रवैये की निंदा करता है। अगर मैं पश्चाताप नहीं करती तो परमेश्वर द्वारा हटा दी जाती। जब कलीसिया ने मेरे काम की व्यवस्था की, मैंने सही तरीके से अपना काम करने का संकल्प लिया। लेकिन जब मुझे वास्तव में प्रयास करने की आवश्यकता थी, तो परेशानी और पीड़ा से डरकर मुझे केवल शरीर की चिंता रही। दस्तावेजों की जांच करते समय मैंने लापरवाही बरती, इसलिए स्पष्ट गलतियां भी मेरी नजरों से चूक गईं। क्या वो सब धोखा नहीं था? इन विचारों ने मुझे खेद और आत्मदोष से भर दिया, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं हूं। आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करती रही। ये घृणित है, मेरे भीतर अंतरात्मा नहीं है। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे कठिनाइयों को सहने, देह सुख को त्यागने और अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति दें। उसके बाद प्रत्येक दस्तावेज में जो शब्द मुझे ठीक नहीं लगते, उन्हें मैं कई शब्दकोशों में देखती। जब पक्का यकीन नहीं होता, तो अपनी पूरी तसल्ली होने तक भाई बहनों या किसी पेशेवर अनुवादक से पूछती। कठिन और लंबे दस्तावेजों को मैंने अधूरे मन से निपटाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपनी पूरी क्षमता झोंककर प्रत्येक वाक्य पर बार बार और बारीकी से ध्यान देकर अनुवाद की सटीकता बढ़ाने की पूरी कोशिश करती। दस्तावेज को अंतिम रूप देते समय जांच के लिए आवश्यक चीजों की सूची बनाती। याद रखती कि हर कदम पर अच्छी तरह से विचार करने की जरूरत है। अंतिम रूप देते समय प्रत्येक शब्द की जांच करके आखिरी चरण की गलतियों को कम करने की कोशिश करती। कुछ समय बाद मुझे अपने काम में बेहतर नतीजे मिलने लगे और मेरी गलती की दर भी कम हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में एक और बहन टीम में शामिल हुई, जिसने फाइनल किए गए अनुवादों के फॉर्मेट को मानकीकृत करने में मदद की। वह समय समय पर मुझसे पूछती रहती, क्या यह विराम चिन्ह सही है, इस विराम चिन्ह का क्या करना है। जब वो इतने सवाल पूछती तो मुझे गुस्सा आता और मैं सोचती, हर बात को समझाना बहुत कठिन है, बस फाइनल किए गए दस्तावेज को देखो। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, ये फाइनल दस्तावेज है, इसमें विराम चिन्ह की कोई समस्या नहीं है। इतालवी और अंग्रेजी में विराम चिन्ह एक जैसे ही होते हैं, अंग्रेजी की तरह, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, इसके अर्थ को समझना होता है।
फिर उसने मुझसे पूछा, हमारी वर्तमान संदर्भ पुस्तकें पेशेवर इस्तेमाल की हैं, मैं इनके कुछ हिस्सों को नहीं समझ पाती, क्या इतालवी विराम चिन्ह पर हमारे पास कोई सरल दस्तावेज है? मैंने कहा, अभी हमारे पास नहीं है। मुझे लगा कि एक दस्तावेज बनाना चाहिए जिसे नए सदस्य देख सकें, लेकिन विराम चिन्ह बहुत हैं, मतलब संदर्भ पुस्तकों की जांच करना परेशानी का काम है। मैंने फिलहाल इस सब को टाल दिया। मैंने सोचा था कि मामला यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब उसने मेरी सलाह के अनुसार अपनी फॉर्मेटिंग में अंग्रेजी की तरह इतालवी विराम चिन्ह लगाते हुए 1.5 लाख से अधिक शब्दों वाले दस्तावेज में डैश से पहले और बाद के सभी रिक्त स्थान हटा दिए, तो मैं देखकर दंग रह गई। इतालवी में डैश से पहले और बाद में हाइफन लगाना होता है ताकि हाइफन और डैश आपस में ना मिल जाएं, जो अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है। लेकिन मैंने इसके बारे में उसको नहीं बताया। इसमें और कुछ भी नहीं था, उसे हर जगह ठीक करना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा और अफसोस हुआ, मुझे खुद से नफरत हुई, और मैंने सोचा एक संदर्भ दस्तावेज बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास क्यों नहीं किया। मैं हमेशा परेशानी से इतनी डरती क्यों हूं? मेरी लापरवाही के कारण उसे दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ी, इसका फिर से सत्यापन भी करना पड़ा। इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ी, बल्कि हमारे काम में भी देरी हुई। क्या इससे परमेश्वर के घर का काम बाधित नहीं हुआ? आभार, आत्मदोष और पछतावे की भावनाएं फिर से उभर आईं। खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई, फिर से वही गलती कर रही हूं, मुझे आखिर हो क्या गया है? एक बार प्रार्थना में मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश याद आया, क्या एक भ्रष्ट स्वभाव के भीतर ही कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी लापरवाही से और गैर जिम्मेदाराना रूप से काम संभालने के लिए उकसाती है? वह क्या चीज है? वह है मलिनता। सभी मामलों में वे कहते हैं कि यह लगभग ठीक है और काफी ठीक है। यह शायद संभवतः और 5 में से 4 का रवैया है। वे लापरवाही से काम करते हैं और जैसे तैसे काम करके संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें गंभीर होने या सटीक होने में कोई मतलब नजर नहीं आता, और सिद्धांतों की तलाश करने का तो उनके लिए कोई मतलब ही नहीं। क्या यह चीज एक भ्रष्ट स्वभाव के भीतर नहीं है? क्या यह सामान्य मानवता की अभिव्यक्ति है? इसे अहंकारी और स्वच्छंद कहना पूरी तरह से उपयुक्त है, लेकिन सबसे उचित शब्द है मलिन। अधिकांश लोगों की मानवता में इस तरह की मलिनता मौजूद है। वे न्यूनतम करना चाहते हैं और उनके हर काम में कपट की बू आती है। जब मौका मिले वो दूसरों को धोखा देते हैं, जब भी मुमकिन हो लापरवाही से काम करते हैं, और किसी मामले पर गौर करने के लिए वो बहुत समय या विचार देना पसंद नहीं करते। जब तक कि उनका पर्दाफाश नहीं होता या वे कोई समस्या पैदा नहीं करते, तब तक उन्हें सब सही लगता है, और इस तरह वे जैसे तैसे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। उनकी नज़र में किसी काम को अच्छी तरह से करना एक बड़ी परेशानी मोल लेने के बराबर है। ऐसे लोग कुछ सीखकर किसी चीज में माहिर नहीं बनते, और वे अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगाते। वे केवल प्राथमिक ज्ञान सीखकर खुद को प्रवीण कहते हैं और फिर जैसे तैसे काम चलाते रहते हैं। क्या चीजों के बारे में लोगों का रवैया ऐसा ही नहीं होता? क्या यह ठीक रवैया है? लोगों, घटनाओं और चीजों के प्रति उनका ऐसा रवैया चंद शब्दों में जैसे तैसे काम चलाना कहलाता है, और इस तरह की मलिनता सारी भ्रष्ट मानव जाति में मौजूद है। परमेश्वर के वचनों ने एहसास कराया कि मेरे काम में प्रयासों का अभाव है। मेरी नीचता गंभीर थी और मैंने हर चीज बेमन और कपटपूर्ण रवैये के साथ की थी। जब बहन ने मुझसे विराम चिन्हों के उचित उपयोग के बारे में पूछा, तो मैं परेशानी से बचना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उसे एक साधारण नियम का पालन करने के लिए कहकर छोड़ दिया। जब उसने संदर्भ दस्तावेज के बारे में पूछा, तो मुझे यह बनाना चाहिए था, लेकिन जब मैंने अपनी पीड़ा की कीमत के हिसाब से सोचा, तो इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे गलतियां बढ़ने की चिंता थी, लेकिन मैंने धोखे से अपना रास्ता निकालने का फैसला किया। प्रयासों में बचत होती और कार्य ठीक से चलता तो भी अच्छा होता। हर बार मैं बिना प्रयास किए भाग्य के भरोसे चल रही थी। मैं हमेशा कम से कम प्रयास से सफल होने की कोशिश कर रही थी।
अपने कर्तव्य पालन में हर बात पर विचार करने और गलतियों से बचने के लिए मैं ईमानदार प्रयास नहीं कर रही थी। ऐसा लगा मानो मैं काम करते हुए सवालों के जवाब दे रही हूं, मगर वास्तव में मैं उस बहन को बस बेवकूफ ही बना रही थी। उसने मेरे जवाबों पर भरोसा किया और कुछ गंभीर गलतियां कर दी और खुद को बेकार कार्यों में झोंक दिया। उसे इतना ज्यादा काम फिर से करना पड़ा, इससे काम की कुल प्रगति धीमी हुई और कलीसिया के काम में नुकसान हुआ। मेरे कर्मों के पीछे का सिद्धांत सबसे आसान, सबसे परेशानी मुक्त काम करना लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला सिद्धांत था। मैं घटिया चाले चल रही थी, मुझे शारीरिक पीड़ा नहीं हुई, पर अपने काम में मेरे अपराध बोध का कोई अंत नहीं था और परमेश्वर के घर का काम भी बाधित हुआ। मैं सबको नुकसान पहुंचा रही थी। मुझे इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था, लेकिन मैंने इसे हल्के में लिया और बेपरवाह, गैर जिम्मेदार, धोखेबाज, लापरवाह और परिणामों को बिगाड़ने वाला व्यवहार किया। मेरे पास जरा भी विवेक नहीं था। तभी मैंने जाना कि मेरी प्रकृति बहुत नीच है, मेरी सत्यनिष्ठा बहुत निचले दर्जे की है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। क्या हम इसे साथ बैठकर देखें? ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि लोग वो व्यक्त नहीं कर सकते जो उन्हें सेवा के दौरान व्यक्त करना चाहिए, या वो हासिल नहीं कर सकते जो उनके लिए सहज रूप से संभव है, और इसके बजाय वे सुस्ती में समय गंवाते हैं और बेमन से काम करते हैं, तो उन्होंने अपना वो प्रयोजन खो दिया है जो एक सृजित प्राणी में होना चाहिए। ऐसे लोग औसत दर्जे के माने जाते हैं, वे बेकार का कचरा हैं। इस तरह के लोग उपयुक्त रूप से सृजित प्राणी कैसे कहे जा सकते हैं? क्या वे भ्रष्ट प्राणी नहीं हैं, जो बाहर से तो चमकते हैं परंतु भीतर से सड़े हुए हैं? तुम्हारे शब्द और कार्य किसके योग्य हो सकते हैं? क्या तुम लोगों का इतना छोटा सा बलिदान उस सबके बराबर है जो मैंने तुम लोगों को दिया है? मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, और मैं पूरे हृदय से तुम लोगों के प्रति समर्पित रहा हूं। फिर भी तुम लोग मेरे बारे में दुष्ट इरादे रखते हो और मेरे प्रति अनमने रहते हो। यही तुम लोगों के कर्तव्य की सीमा, तुम लोगों का एकमात्र कार्य है। क्या ऐसा ही नहीं है? क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने में बिल्कुल असफल हो गए हो? तुम लोगों को सृजित प्राणी कैसे माना जा सकता है? क्या तुम लोगों को ये स्पष्ट नहीं है कि तुम क्या व्यक्त कर रहे हो और क्या जी रहे हो? तुम लोग अपना कर्तव्य पूरा करने में असफल रहे हो, पर तुम परमेश्वर की सहनशीलता और भरपूर अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हो। इस प्रकार का अनुग्रह तुम जैसे बेकार और अधम लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो कुछ नहीं मांगते और खुशी से बलिदान करते हैं। तुम जैसे मामूली लोग स्वर्ग के अनुग्रह का आनंद लेने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। केवल कठिनाई और अनंत सजा ही तुम लोगों को अपने जीवन में मिलेगी। यदि तुम लोग मेरे प्रति विश्वसनीय नहीं हो सकते,
तो तुम लोगों के भाग्य में दुख ही होगा। यदि तुम लोग मेरे वचनों और कार्यों के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते तो तुम्हारा परिणाम दंड होगा। राज्य के समस्त अनुग्रह, आशीषों और अद्भुत जीवन का तुम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। यही वो अंत है जिसके तुम काबिल हो और जो तुम लोगों की अपनी करतूतों का परिणाम है। आमीन। परमेश्वर के वचन कहते हैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है और मैं पूरे हृदय से तुम लोगों के प्रति समर्पित रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मेरे बारे में दुष्ट इरादे रखते हो और मेरे प्रति अनमने रहते हो। यही तुम लोगों के कर्तव्य की सीमा है। इन वचनों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। परमेश्वर ने मुझे अपना कर्तव्य निभाने का मौका दिया ताकि मैं अपने काम के माध्यम से सत्य को प्राप्त कर सकूं, अपना भ्रष्ट स्वभाव छोड़कर परमेश्वर की शरण में जाऊं। लेकिन मैंने सत्य की खोज के बजाय देह सुख पर ध्यान रखा और परमेश्वर को धोखा दिया। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए देह धारण किया, भारी अपमान और पीड़ा सही, सरकार की प्रताड़ना, लोगों की निंदा और तिरस्कार झेला, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य को अभिव्यक्त कर लोगों को बचाया। हमारी बौद्धिक क्षमता कमजोर है, इसलिए सत्य को धीरे धीरे समझते हैं। परमेश्वर ने हमारा परित्याग ही नहीं किया बल्कि वो हर दृष्टिकोण से हमारे साथ सहभागिता करते हैं। वे सत्य को विस्तार से समझाते हैं, कहानियों, उदाहरणों और रूपकों की मदद से हमें समझाते हैं। कुछ सत्य जटिल और बहुअर्थी होते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें विस्तार से समझाते हैं। वे धैर्यपूर्वक और व्यवस्थित रूप से सहभागिता के माध्यम से सत्य की बारीकियों को समझाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन फिर मैंने अपना कर्तव्य कैसे निभाया? मैंने सोचा कि अधिक विचार मंथन और प्रयास करने की दरकार नहीं है। दस्तावेजों की समीक्षा करते समय मैं जिम्मेदार नहीं थी। मैं परिणामों की परवाह किए बिना कम से कम प्रतिरोध वाला रास्ता अपनाती। मैं परमेश्वर के कार्य को हल्के में लेती रही। मेरी अंतरात्मा कहाँ थी? मैं परमेश्वर के दंड की हकदार थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने वचनों से मुझे प्रबुद्ध बनाया, स्वयं को और परमेश्वर की इच्छा को जानने का मौका दिया। अगर मैं सुस्त रहती और अपना काम अधूरे मन से करती तो जीवित रहने या इंसान कहलाने के लायक नहीं रहती। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रकृति बहुत नीच है। मैं इस तरह शर्मिंदा या नालायक होकर जीना नहीं चाहती। कृपया मुझे सत्य का अभ्यास करने की शक्ति दें ताकि मैं एक सच्चे इंसान की तरह जीवन जीते हुए अपना कर्तव्य निभा सकूं। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। एक मनुष्य के तौर पर परमेश्वर के आदेश के प्रति व्यक्ति को समर्पित और पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए और वह अनमना नहीं हो सकता, जिम्मेदारी लेने में चूक नहीं कर सकता या अपनी रुचि अथवा मनोदशा के आधार पर काम नहीं कर सकता। यह समर्पित होना नहीं है। समर्पित होने से क्या आशय है? इसका आशय है कि तुम अपने कर्तव्य में मनोदशा, स्थितियों, लोगों, मामलों और चीजों से प्रभावित नहीं होते हो। यह परमेश्वर का आदेश है और यही मुझे करना चाहिए। अतः मैं इसे अपना मामला मानकर जिस भी तरीके से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं परमेश्वर को संतुष्ट करने पर ध्यान दूंगा। जब तुम इस स्थिति में होते हो तो तुम न केवल अपने अंतःकरण से बल्कि श्रद्धा से भी नियंत्रित होते हो। यदि तुम काम में दक्षता या परिणाम पाने की आशा किए बिना इसे बस यूं ही कर देने में संतुष्ट हो और सोचते हो कि कुछ प्रयास कर लेना ही पर्याप्त है तो यह अंतःकरण का मानक है, यह समर्पण नहीं है। परमेश्वर के प्रति समर्पण अंतःकरण के मानक से ज्यादा ऊंचा होता है। केवल कुछ प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं होता, तुम्हें इसमें अपना संपूर्ण हृदय लगाना चाहिए। तुम्हें अपने कर्तव्य को हमेशा अपना ही काम मानना चाहिए, इस काम के लिए भार उठाना चाहिए। यदि छोटी सी भी गलती करते हो या थोड़ा सा भी असावधान होते हो तो तुम्हें फटकार पड़ेगी और महसूस करोगे कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि इससे परमेश्वर को बहुत शर्मिंदगी होती है। वे लोग जिनके पास
सच्चे अर्थों में अपने कर्तव्यों को इस तरह पूरा करने का बोध होता है मानो वे उनके अपने ही काम हों और बिना इस बात की परवाह किए कि कोई निगरानी कर रहा है या नहीं, चाहे परमेश्वर उससे प्रसन्न हो या नहीं, या चाहे वो उनके साथ जैसा भी व्यवहार करें, वे स्वयं से कर्तव्य का पालन करने और परमेश्वर के आदेश को पूरा करने की कठोर अपेक्षा करते हैं। इसे समर्पण कहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिखाया। हम मनमर्जी करते हुए अपनी मनोदशा और पसंद के हिसाब से कर्तव्य पथ पर नहीं चल सकते। जहाँ कठिन परिश्रम की जरूरत हो वहाँ लापरवाही नहीं बरत सकते। हमें अपने काम को परमेश्वर का आदेश और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें बेहतरीन परिणामों के लिए विचार और प्रयास करना चाहिए। ऐसा करना कितना भी मुश्किल हो, हमारी निगरानी की जा रही हो या नहीं, हमें दिल और दिमाग से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सही है। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर के वचनों के अनुसार पश्चाताप और अभ्यास करने को तत्पर हुई। बाद में मैंने नए सदस्यों के लिए इतालवी में विराम चिन्हों के प्रयोग पर एक दस्तावेज बनाने में समय लगाया। उसके बाद मैंने अनुवाद में आने वाली आम समस्याओं का संक्षिप्त उल्लेख किया और ध्यान देने वाली बातों की सूची बनाई। दस्तावेज की समीक्षा के दौरान ध्यान रखती कि कुछ छूट ना जाए। जब कोई भाई बहन मुझसे अपने काम पर सवाल पूछते तो मैं अपनी कल्पना के आधार पर जवाब नहीं देती, बल्कि ध्यान से उनके सवाल पर विचार करती, सिद्धांतों और पेशेवर ज्ञान के आधार पर उन्हें जवाब देती। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वास्तविक प्रयासों, परमेश्वर के प्रबोधन और मार्गदर्शन से इसे धीरे धीरे समझने लगती। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने काम में अपनी गलत मंशाओं पर बहुत चिंतन किया। जब कठिनाइयां आती और मैं आसानी से आगे बढ़ना चाहती तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती ताकि सच्चे प्रयासों से उन मुद्दों को हल कर पाऊं। काम के प्रति मेरे दृष्टिकोण में काफी सुधार आया और अब मैं अधूरे मन से काम नहीं करती। मैं दृढ़ता से अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम हो गई। मुझ में ये बदलाव परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का परिणाम था। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, ये सब परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का ही परिणाम। सही कहा।